अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नाला सुपारा में एक बार फिर सख्श एक देसी कट्टे के साथ हुआ गिरफ्तार। दरअसल नाला सुपारा तुलिज की अपराध शाखा को जानकारी मिली कि तुलिज शमशान के पास कोई शख्स हथियार बेचने वाला है। वहीं अपराध शाखा को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने तुलिज शमशान के पास रैकी कर जियालाल विजयराज जायसवाल को हिरासत में लिया और जब पुलिस ने उसकी तलाश की तो उसके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं पकड़े गए आरोपी पर तुलिज ने अवैध देसी कट्टा रखने के चलते भारतीय हथियार कायदे के तहत मामला दर्ज किया। वहीं इस बारे में तुलिज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेन नागरकर ने जानकारी दी। हमारे तुलिज पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बांदल साहब को आज एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तुलिज का जो शमशान भूमि है उसके पास एक उत्तर प्रदेश जौनपुर से एक व्यक्ति जो देशी कट्टा जिसको तमंचा बोलते हैं और कुछ गोलियां बेच बंदूक की गोलियां बेचने के लिए आने वाला है। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, फिर हमने हमारे डिटेक्शन ब्रांच के इंचार्ज जो है एपीआई मात्रे साहब और डिटेक्शन ब्रांच के जो सब डिटेक्शन ब्रांच में काम करने वाले सब जो हमारे साथी है उनको मैंने बोला कि जाके प्रॉपरली वहाँ पे ट्रैप लगाओ, उस जो आने वाला है उसको पकड़ो, उसकी तलाशी लो। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैप लगाया तो वहाँ पे एक आदमी आया तो उसकी तलाशी लेने के बाद उनके पास से एक देशी तमंचा जिसे गाउठी कट्टा बोलते हैं और दो देशी तमंचे की गोलियाँ उनको मिली है। उन्होंने उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। उसमें शायद और भी आगे रिकवरी वेपन्स की हो सकती है, इस हिसाब से हमारे डिटेक्शन ब्रांच के लोग काम कर रहे हैं। सर, इस आरोपी पर पहले भी कोई मामला दर्ज है? इसके बारे में अभी उसके पास इंक्वायरी होगी, उसके पास इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें हमको पता चलेगा कि इसके पहले भी उसके ऊपर कोई केसेस थे या नहीं। नाला सुपारा से गौरव राजपुरोहित की एक रिपोर्ट।